परिहास में आप सबका स्वागत। हंसते हंसते कट जाए रास्ते जब जीवन की शाम ढले। जीवन की शाम ढले छोड़ो, यौवन की इस भरी दोपहर की बात करो। और तुम ये आंखें मटका मटका कर मेरी तरफ देख देख के कहना क्या चाहती हो? मैं क्या तुम्हें ढलती हुई शाम नजर आता हूँ? अरे जो सच है वही कह रही हूँ, लेकिन मुस्कुराने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। अब बढ़ती उम्र में तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बढ़ती उम्र में कौन कौन से टॉनिक लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये सब आपको तो अच्छी तरह से पता है, तो बताइए ना। अरे अपनी नोकझोंक में स्वागत का मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? अरे हाँ, आज हम परोसने जा रहे हैं कुछ शिक्षण प्रशिक्षण की बातें। शिक्षण पर शिक्षण? अरे एक शिक्षण काफी नहीं है क्या? अरे शिक्षण पर शिक्षण नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। ओ तो ट्रेनिंग बोलना। हाँ शिक्षण की बात तो मेरी समझ में आती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। अब देखना, वो हमारी मान सम्मान देने की परंपरा है ना, दूसरों को इज्जत देने की। अब मेरे पिताजी के एक दोस्त है, हमारे घर पर मेहमान बनकर आए हैं लेकिन हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, जमकर बैठ गए। पिताजी ने उनसे कहा, भाई आपने दशहरा भी यही मनाया, दिवाली भी यही मनाई, अब होली तो अपने घर जाकर मना लीजिए। बड़ी बेतकल्लुफी से बोले, तुम्हारी भाभी और बच्चे भी यही आ जाएंगे, खूब रंग जमेगा। पर वो तुम्हारे घर आए कैसे, तुम्ही ने बुलाया होगा? अरे नहीं, उनका बेटा तकनीकी ट्रेनिंग लेने के लिए आया एक साल की, वो हॉस्टल में है, उन्होंने हमारे घर को हॉस्टल समझ लिया। एक बात बताओ अंगूठा। हाँ? ये तकनीकी ट्रेनिंग क्या होती है और वो 6 महीने पर प्रशिक्षण फिर सर्टिफिकेट भी देते हैं, ऐसी ट्रेनिंग होती है क्या? वो क्या कह रहे थे, पर एक्टिकल? अरे पर एक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल। इसका मतलब है औजार पुर्जों सर्किट वगैरह वगैरह की जानकारी के लिए पाठ्यक्रम, और ये छात्रों को सिखाते हैं। जब ये छात्र पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और सीख जाते हैं तब उनको सर्टिफिकेट यानी के प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो रेडियो टीवी ठीक करने की भी ट्रेनिंग होती होगी? हाँ। अच्छा अच्छा, तभी मैं हैरान थी। अरे पहेलियाँ क्यों बुझा रही है, तभी मैं हैरान थी। अरे पीछे हमारे गांव में टीवी का मजेदार एक नया तमाशा हुआ। अच्छा चल चल। हाँ। दिखाऊं तुझे? हाँ, दिखा दिखा दिखा। ठीक हुआ क्या? अरे नहीं तस्वीर नहीं आ रही है, ढंग से घुमा यार अच्छी तरह से। हाँ अरे कहाँ तक घुमाऊं, अरे नहीं आ रही है यार, आती है चली जाती है, आती चली जाती है। अरे छापड़ मारने से आ रही है? अरे बताया तो यार आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, यही सब हो रहा है बस। हाँ नहीं तो, और तुम ऊपर टंगे कर क्या रहे हो इतनी देर से, जरा ढंग से घुमाओ यार, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ नहीं तो, अरे चारों तरफ घुमा डाला, अब क्या तोड़ डालू? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, इतनी देर से ऊपर टंगे पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ तू ही आगे देख ले, एक तो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है। आजा लगन। हाँ अरे बात सुन। हाँ देख मेरी बात सुन, मैं धीरे धीरे उसको घुमाऊंगा ठीक है, और जैसी फोटो आए तू उसमें छापड़ मार देना। वो किस लिए? अरे भैया अगर फोटो कहीं अटकी होगी तो भक्त से बाहर आ जाएगी। ठीक है जल्दी चल 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 चल, प्रोग्राम होने वाला शुरू, अंधेरा भी होने वाला, जल्दी कर। जो दोस्त थप्पड़ मत मार, टीवी टूट जाएगा, आराम आराम से। हानि तो अरे ठीक है तुम घुमाओ तो सही। हाँ अब देख आया क्या, मैं कुछ बोल तो सही। अरे आएगा तो बता नहीं दूंगा, तुम्हारा काम है सिर्फ घुमाना, तुम घुमाओ बाकी बातें मत करो। ठीक है घुमा रहा हूँ। अब बता। अरे क्या कर रहे हो चाचा, ऐसे तो तुम टीवी को फोड़ डालोगे, ऐसे इसके दूसरे पुर्जे भी खराब हो सकते हैं। अरे क्या करूं ससुरा चलता ही नहीं है, सर में दर्द हो गया, 1.5 घंटे से इस पे पिले हुए हैं। भैया इसको इतनी देर से समझा रहा हूं मैं, आराम से भैया, आराम से भैया, आराम से, लेकिन ये इसमें लाते घूसे मार मार के इसको तोड़ने में लगा हुआ है। अब ये बताओ कि प्रोग्राम का क्या होगा? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इस पर जरूर किसी का साया है, तभी तो अचानक फोटो गायब हो गई। लखन बावला हो गया तू, अरे इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है मेरे यार।
अगर नहीं मानते तो मत मानो। ये बता तू यहाँ किस लिए आया? चाचा वो एक दिक्कत आ गई। दिक्कत? कैसी दिक्कत? जो सीडी प्लेयर आप रघुराम जी का लेकर आए थे ना, वो तेज वोल्टेज की वजह से फूक गया। सत्यानाश, एक मुसीबत क्या कब थी जो दूसरी और आ पड़ी। अरे कल तक तो वो ठीक चल रहा था, आज तो उसे वापिस करने का दिल था। अब क्या होगा चाचा? मैं तो पहले ही कह रहा था पूरे गांव के ऊपर किसी का साया है, पूजा पाठ करवानी पड़ेगी, लेकिन मेरी बात किसी ने ना सुनी। अब भुगतो। दिमाग खराब हो गया, खामखा बेतुकी की बातें करता था, कुछ भी नहीं है। अरे मैं कहता हूँ चल के इसकी नजर उतरवा देते। लखन लखन लखन, ये कोई जीवित चीज नहीं है जो इसकी नजर उतारनी पड़ेगी यार। अरे जीवित चीज नहीं है लेकिन इसमें जीवित दिखाई तो देती है। अरे देखा नहीं सचिन उधर बल्ला चलाता है और दिखाई देता है हमारे इसके ऊपर। कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है ना जो टीवी में आ जाती है। चल के बाबा के पास चलते है और इसकी नजर उतरवा लेते हैं। अरे चाचा इसमें बाबा क्या करेंगे, ये बाबा की शक्ति से नहीं बिजली से चलता है। अरे बिजली में भी शक्ति तो बाबा ही भरते हैं। अरे चाचा सबको पता है कि बाबा जो बल्ब जलाते हैं वो भी स्विच से चलता है, तुम ऐसी वैसी बातें क्यों करते हो? एक काम करते हैं, किशन के पास चलते हैं, वो ट्रेनिंग लेकर आया है। वो अतिरिक्त ये आदमी को सही है। जब राम रथी का टीवी आया था है ना, याद है उसका टीवी खराब हुआ तो उसकी फोटो गायब हो गई, आवाज भी गायब हो गई, और वो जो है उसमें ऐसी जगह हाथ मारता था फोटो भी आ जाता था और आवाज भी बहुत तेज आती थी, टीवी की तबीयत एक मिनट में ठीक हो जाती थी। वो जो है ना किसना, वो इसकी नब्ज पहचानता, वो ठीक कर देगा। सच्ची कैसी बातें कर रहे हो चाचा, किसना तो ढीले पुर्जे करके खोल खाल के रख देता है, फिर पैसे मांगता 400 रुपए। आपको याद नहीं अपने कृपालू जी के टीवी का क्या हाल किया था उसने? अरे वो तो बेचारा खुला खुलाया अपने घर ले गया और जोड़ तोड़ के चलाता रहता है। अब क्या होगा, किससे टीवी ठीक कराएंगे? क्या हुआ, कैसे मजमा लगा रखा है भाई, किस बात पर विचार हो रहा है? अरे टीवी खराब हो गया। टीवी? अरे मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? अरे मनोहर भैया ये टीवी खराब हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करे, प्रोग्राम देखना था। तुम भी तो शहर जाकर कुछ सीख कर आए हो ना? हाँ हाँ सीखा है भैया। तो हम तो ये सोच रहे थे कि अपने टीवी को किसना के पास ले जाएं। अरे चाचा किसना बिजना के पास जाने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर अपने टीवी का हुलिया बिगड़वाना है तो बेशक शौक से चले जाओ। मनोहर भैया इन्हें मैं पहले कह चुका हूँ किसना के बारे में तो। अरे चाचा अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा हुनर यहीं पर आ गया है। कैसे? मैं कंप्यूटर से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठीक कर सकता हूँ और आपका टीवी भी ठीक कर दूंगा। अरे भैया इधर टीवी खोल रहा है। अरे बाबा प्रोग्राम कैसे देखेंगे भाई? अरे जिस हिसाब से मनोहर काम कर रहा है मुझे तो लगता है हम आज ही नहीं अभी भी टीवी नहीं देख सकते। ये कहो कि आप प्रोग्राम देख पाएंगे, अगर कहीं किसना के चक्कर में पड़ गए होते तो टीवी से हाथ धो बैठते। अभी कितनी देर और लगेगी? अरे चाचा 2 मिनट का सबर रखो, तुम तो घोड़े पर सवार हो। कमाल करते हो, मुझे तो लगता है हम कभी टीवी देख ही नहीं पाएंगे। अरे भैया मुझे तो लगता है कि हमें अपने टीवी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक कहते हो। अरे चाचा पुरुषों का काम है, समय तो लगता ही है ना। ये लो फ्यूज, ये उड़ गया था, इसी की वजह से इसकी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। अरे फ्यूज का टेटवा दबा दिया होगा भूत ने। ये भूत का नहीं आपके घूसों का कमाल है। मनोहर भैया, ये मनोहर भैया तुम्हें कैसे पता लगा किसका ये फ्यूज खराब हो गया है? अरे चाचा मैंने हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ठीक करने की ट्रेनिंग ली है। अच्छा शहर से होशियार होके आया है, बहुत है। अच्छा अरे टीवी कब ठीक होगा भैया? भैया क्या कर, भैया हो जाएगा ना ठीक?
लो चाचा हमारा टीवी ठीक हो गया। हो गया? ठीक हो गया? अरे गुमा देख ले। अरे गुमा अरे चेक करते हैं यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। बैठो 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 भैया रुक जा। लखन वो तो कितने साफ है और आवाज भी एकदम बढ़िया आ रही है। अरे क्या रंग है। अरे मनोज भैया तुमने तो कमाल कर दिया कर तुम्हें। अब पता तुझे दादा का चक्कर। मुझे क्या पता इसकी दवा ये है। अरे मनोज बेटा तू सीढ़ी प्लेयर ठीक कर सकता है। हाँ क्यों नहीं। अरे बेटा एक काम कर रघु का सीडी प्लेयर ठीक कर दे। मेरी इज्जत का सवाल है बेटा। ये बात है चाचा तो चलो अभी ठीक करते। अरे चलो चाचा मैं भी कल शहर जाकर मनोहर भैया के साथ मशीनों को ठीक करने की ट्रेनिंग लूंगा। अरे रुक जा पहले मुझे अपना सीडी प्लेयर तो ठीक करवा लेने दे। तो चलो चाचा आलोक आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। तो देखा आपने तकनीकी ज्ञान न होने से कैसे छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और परेशानी हो जाती है सो अलग। बिल्कुल ठीक बात। तकनीकी ज्ञान से न केवल खुद की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है बल्कि दूसरों की जिंदगी भी आसान हो जाती है। चलो टीवी तो ठीक हो गया पर अंगूठे ये शब्दों को ठीक करने की कोई तकनीक है क्या? मुझे तो लगता है चौकी आंशिक की बिंदी उड़ाकर उसे आशिक न बना दो। हाय ये बिंदी उड़े तो सही सच कहूं मेरे लिए जो वो चुने है ना वो तकनीकी प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। अब मुझे तो कुछ पता नहीं लेकिन मेरे पिताजी उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण की सारी योजनाएं बता रहे हैं। ए ये योजनाएं होती भी हैं या पिताजी उन्हें सिर्फ बना ही रहे हैं? अरे ना 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 ना, ना। तुम इसकी चिंता मत करो इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ। भारतवर्ष में इतनी उन्नति हुई है और हर शहर में जहाँ तक कि अब गाँव में भी शुरू हो गया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। पहले तो सरकार के ही अपने बहुत कार्यक्रम हैं जो सरकार ने अपना NREGA नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया है उसमें ही बहुत लोगों की आवश्यकता है लेकिन जब उसको तकनीकी शिक्षा मिल जाती है जब उसमें गुण हो जाता है तब उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर जाता है। एक तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाती है जो कि अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गई फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया उसका एक्सपोजर बढ़ गया उसको ये पता है कि कहाँ मार्केट है कहाँ चीज़ है कहाँ से हम उन्नति कर सकते हैं उसका दूसरों लोगों से इंटरेक्शन हो गया वो हम ये कहेंगे कि वो देश के मेन स्ट्रीम में आ जाता है जब वो एक बार उसको ये सारे गुण आ जाते हैं तो वो जो उसको एक्सपोजर मिलता है अपने तकनीकी प्रशिक्षण के बाद और अपने वो नए रोजगार के साथ बाहर जाने में उसका उपयोग वो पूरे गांव के विकास के लिए हर तरह से होता है। हमारे कार्यक्रम में बेनिफिशरीज जो है उनको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो ऋण चाहिए आदमी को अपना सेटअप करने के लिए तो हम ये सहूलियत करा देते हैं कि उनको बैंक से भी ऋण मिल जाए और जो भी उन्हें सहूलियत चाहिए वो हमारी जो स्वयंसेवी संस्था उन एरिया में काम करती है वो सहूलियत देगी। कपाट का बहुत जोर है ग्रामीण तकनीकी पे इनमें ऊर्जा लेकर है जैसफायर है इनमें बायोमास है जो कि एनर्जी के लिए भी यूज़ हो सकती है और खाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। खाना बनाने का स्टोव है एनर्जी सेविंग स्टोव है। फिर इसमें फ्लूराइड फिल्टर्स हैं जिसमें कई क्षेत्रों में फ्लूराइड बहुत है पानी में और उस वजह से लोगों के हाथ पैर में प्रॉब्लम आ रही है बेसिक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है वो है। तो ये सब प्रोग्राम प्लस इसमें एक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भी है जिसको कि हम बोलते हैं कि मड ब्रिक्स तो ये टेक्नोलॉजीज है। ये तो एक चीज़ हुई तो इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे। दूसरी चीज़ जो हमने ग्रामीण तकनीकी तो आगे बढ़ाने के लिए हमने कपाट में एक अपनी संस्था शुरू की मतलब गरीबी उत्थान और रूरल तकनीकी ये हमने संस्था खोली। इस संस्था में हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे इसमें हम रिसर्च करेंगे इसमें हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं। एक हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी इसमें खोली है डिजिटल लाइब्रेरी भी है और नॉर्मल लाइब्रेरी भी है जिसकी की मेंबरशिप हम आम जनता को भी दे रहे हैं और अपनी संस्थाओं को भी दे रहे हैं।
तो आगे का प्रोग्राम में हमने ये माना है कि तकनीक का विशेष प्रयोग करके हम गरीबी हटाने के प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक में यानी कि बहुत तेज रफ्तार से ले जाएं। इस ओर जो भी कदम बढ़ाएगा, सच्ची मेहनत और लगन से जुटेगा, सफलता उसकी कदम चुमेगी। ये मेरी बात गौर से सुन लो अंगूठे। हाँ? बात गौर से सुनने का एक वक्त होता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, जाओ हमारे राज्य से चार मूर्ख ढूंढ कर ला। शुक्र है उस वक्त वहां तुम नहीं थी। अरे बीरबल ने सिर्फ 2 दिन का समय मांगा। अच्छा। और फिर 2 व्यक्ति को पकड़ लाए। अच्छा। उनमें से एक को खड़ा करके बोले, ये पहला मूर्ख है, इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई, उसके यहाँ बेटा हुआ है और ये अपने घर का आधा सामान बेचकर उसके लिए चांदी की थाली और कपड़े लेकर जा रहा है। और दूसरा? दूसरा दूसरा ये मूर्ख है, इसकी घोड़ी को बच्चा होने वाला है, ये सर पर भारी गट्ठर लादे हुए उसके ऊपर बैठा था। और तीसरा? तीसरे आप है? मैंने नहीं, बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। ओ। जिन्हें ऐसे लोगों को देखने की इच्छा थी। और चौथा? चौथा मैं माने बीरबल, जो ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाया। वाह वाह वाह, क्या परिभाषा दी है, तुम्हारी तकनीक का तो जवाब नहीं है। लेकिन ये तकनीकी प्रशिक्षण कोई और चीज होती है। इस विषय पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो आइए हम भी इसे देखते हैं। आज रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है और इस महत्ता को अंजाम दिया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे जन शिक्षण संस्थानों ने। जन शिक्षण संस्थान अन्य विधाओं के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों इत्यादि के रखरखाव और मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संस्थानों में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता का बंधन नहीं है, बस शिक्षार्थी का चयनित विषय की ओर रुझान होना जरूरी है। लेकिन जो सतत शिक्षा केंद्रों से आते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। आज अक्षर ज्ञान के साथ तकनीकी शिक्षा की बहुत जरूरत है। ये शिक्षा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाती है और इसमें प्रमुखतः युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मोबाइल फोन आज हर व्यक्ति की आम जरूरत बन चुका है और इस जरूरत ने एक नए व्यवसाय को जन्म दिया है, मोबाइल रिपेयरिंग। यह मोबाइल सर्किट्स की जटिलताओं को सुलझाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए संस्थान द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे प्रयोगशालाएं, अनुभवी शिक्षक इत्यादि, जो कि इन्हें बेहतर से बेहतर आधारभूत शिक्षा प्रदान करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के साथ यहाँ बिजली के उपकरणों की मरम्मत की शिक्षा दी जाती है, फिर वो बिजली का मीटर हो या स्विच, पंखे की मोटर वाइंडिंग से एयर कंडीशनर की मोटर वाइंडिंग, इन सब के साथ वाहनों के कलपुर्जों के बारे में समझाने तथा उनको सुधारने का काम सिखाया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल समस्या हो या गियरबॉक्स की, क्लच की समस्या हो या फिर कार्बोरेटर की। तकनीकी शिक्षा असमर्थ एवं वंचित वर्गों के पास पहुंचे, इसके लिए जन शिक्षण संस्थान लगातार कार्यरत हैं। जैसे जैसे युवा वर्ग तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं, वैसे वैसे नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आगे आकर इन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में लगे हैं। निश्चित रूप से ये संस्थान बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इससे व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्वावलंबन को गति मिलेगी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सही दिशा भी मिलेगी। हाथों को हुनर दीजिए और तरक्की कीजिए, यही तो है जन शिक्षण संस्थान का नारा। स्वावलंबन की कठिन राह में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी जुड़े हों। आर्थिक चुनौतियों से जूझने और दैनिक जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए तकनीकी शिक्षा ने नई दिशा दी है, जिससे जीवन शैली में उल्लेखनीय बदलाव आ गया है। आर्थिक सहायता देने के लिए सरकारी योजनाएं बहुत हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रयासों से राष्ट्र के विकास को भी गति मिल रही है। यही प्रशिक्षण आधार है व्यक्ति को समर्थ सशक्त बनाकर उसमें आत्मविश्वास जगाकर आत्मनिर्भर बनाने का। तकनीकी प्रशिक्षण राष्ट्र के विकास के पहिए को गति देने की सार्थक तकनीक भी सिद्ध हो रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से हमारे देश के युवा वर्गों में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। हाँ, और तकनीकी शिक्षा देती है आत्मविश्वास। हाँ। और सरकार देती है आर्थिक मदद। बिल्कुल ठीक।
रोजगार गारंटी योजनाएं स्वरोजगार का रास्ता खोलती हैं। हाँ, और अगर सिर्फ जरूरत है तो जानकारी की और सूझबूझ की। अरे वाह, ये तो बड़ी अकल का काम किया तुमने। अरे हाँ, अकल की बात पर याद आया, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान ने स्त्रियों को बहुत ही सुंदर बनाया है मगर साथ ही साथ मूर्ख भी बनाया है। उसकी पत्नी बोली, वो इसलिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। हाँ, समझ का ही तो फेर है। एक बार एक बच्चे ने मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी, मेरे क्लास टीचर बता रही थी कि जिनके माता पिता मूर्ख होते हैं उनके बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो मैंने कहा, हाँ टीचर, मैं तो हमेशा बुद्धिमान रहूंगा। टीचर ने पूछा, क्यों? तो मैंने बोला कि जब भी मेरी मम्मी पापा पे चिल्लाती है तो अक्सर कहती है, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। उसने तो सारी पोल खोल दी, मगर उल्टा भी तो हो सकता है। अरे कोई ऐसी तकनीक बता कि मूर्खता से छुटकारा मिल जाए और लोग हमें अकलमंद कहना शुरू कर दे। मेरा मतलब है अकलमंद समझना शुरू कर दे। अरे अकलमंद तो तब समझना शुरू करे जब हम में कुछ सीखने की चाह हो और कुछ सीख के हम खुद अपना कोई काम कर सके। हे? हाँ। अपना काम शुरू कर दे। हाँ। तो आइए मिलते हैं जय किशन से। वही जय किशन? हाँ। जिसने अपनी जिंदगी की जंग अपने बलबूते पर लड़ी। हाँ। और सफलता भी हासिल की। हाँ। तो आइए देखते हैं। आइए। मेरी कहानी असल में यहाँ से शुरू नहीं होती है। दसवीं करने के बाद मेरी घर की स्त्री परिस्थितियाँ ने मेरे ऊपर जोर डाला कि मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने मार्केटिंग करना शुरू किया, कंप्यूटर की मार्केटिंग, जिसमें स्कैनर वगैरह शामिल थे, स्कैनर फ्लॉपीज वगैरह, इस तरह की कई चीज़ें शामिल थी। लेकिन काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि असल में ये मेरी मंजिल नहीं है और मैं सही रास्ते की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने उद्देश्य से कुछ भटका हुआ हूँ। तभी मुझे इस परेशानी के टाइम में मुझे एक मित्र ने बताया कि श्रमिक विद्यापीठ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कराती है, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करूँ तो मुझे मंजिल मिल सकती है। तो 98 में मैंने श्रमिक विद्यापीठ के साथ इलेक्ट्रॉनिक कोर्स किया, जो कि आज के ज़माने में जन शिक्षण संस्थान के नाम से मशहूर है। इसमें मैंने 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक कोर्स किया और साथ ही मैंने नेशनल ओपन स्कूल से 12वीं भी की, और अब मेरे हाथ में हुनर भी था और एजुकेशन भी थी, तो मेरे लिए रास्ते खुलते गए और मंजिलें मिलती गई। उसके बाद मैंने मल्टीलेट टेक्नोलॉजीज के साथ कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर की पोस्ट पे काम किया और उन्होंने कुछ दिनों के बाद मेरे को टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे काम करने का मौका दिया। यहाँ पे 2.5 साल काम करने के बाद फिर उसके बाद मैंने सिलिकॉन माइक्रो सिस्टम्स के साथ ज्वाइन किया। सिलिकॉन माइक्रो सिस्टम के साथ काम करते हुए मुझे राइट्स लिमिटेड में काम करने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम किया। नौकरी करते करते मुझे समझ में आया क्यों ना मैं खुद अपना काम करूं, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसके लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए और कोई 10-15 हज़ार रुपये की छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम लोग बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं घर बैठ करके, इसके लिए कोई ऑफिस या कोई दुकान लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आज के टाइम में मैं बड़े आराम से अपने घर से ऑपरेट कर पा रहा हूँ और मेरे हाथ में गैर सरकारी अनेक कंपनियाँ हैं, जिसमें LG इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट्स लिमिटेड, थिकोज IT सॉल्यूशंस, सिफी, डेल्टा IT नेटवर्क जैसी अनेक नामी ग्रामी कंपनियाँ, और जिनसे बड़े आराम से मैं महीने में कई बार मैंने 50-50 हज़ार रुपये तक कमाए हैं और बड़े आराम से मैं आज के टाइम में मैं 15,000 से 20,000 रुपये तक कमा पा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर हमारे हाथ में हुनर है और कुछ करने की चाह है तो हम लोग अपना काम भी बड़े आराम से कर सकते हैं। आज के टाइम में मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और इसी की बदौलत है कि मैं आज खुद अपना घर अफोर्ड कर पा रहा हूँ। मेरा घर खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है और मेरा एक छोटा सा सुखी परिवार है, जिसमें मेरी एक 3 साल की बेटी है और मैं अपना काम कर रहा हूँ और साथों में कुछ इंस्टीट्यूशनल वर्क भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे जन शिक्षण संस्थान को मैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता हूँ। आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो कोई भी अपनी पसंद का हुनर चुन करके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर, कोई भी अपनी पसंद का हुनर चुन करके जन शिक्षण संस्थान से कोर्स कर सकते हैं और वो उसके बाद अपना काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। जैसे मैं 10वीं करने के बाद बहुत हताश और परेशान था और आज के ज़माने में मैं डाटा रिकवरी सॉल्यूशन का काम बड़े आराम से कर पा रहा हूँ और इसके पीछे वास्तव में जन शिक्षण संस्थान ही है जिसने मुझे इस तरह का काम करने का मौका दिया है। वाह वाह वाह, खुद पढ़े
और औरों को भी पढ़ाएं, खुद सीखे और औरों को भी सिखाए। राग अलापने से कुछ नहीं होगा। क्यों? अगर आगे बढ़ना है तो कदम भी आगे बढ़ाने पड़ते हैं। अरे चौकी, तुमको तो पता ही है मेरे कदम कभी रुकते नहीं है, मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है। ओहो, तुम निशानेबाज भी हो। अब कौन है तुम्हारे निशाने पर? अरे निशानेबाज मैं नहीं हूँ, निशानेबाज तो है हमारे मोहल्ले का राम भरोसे। एक बार वो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया और जी ही उसने बल्ला उठा के दे छक्का मारा, पूरे मैदान से खिलाड़ी तो खिलाड़ी, एक भी दर्शक नहीं रहे, सब भाग खड़े हुए। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जू ही उसने बल्ला उठा के छक्का मारा और सीधे गेंद जाके मधुमक्खी के छत्ते पर। अरे इससे पहले कि तुम सबके छक्के छुड़ाना शुरू कर दो, घड़ी हमें संकेत दे रही है कि हमारे चलने का वक्त हो गया है। इसका मतलब हमारा वक्त हो गया है? शुभ शुभ बोलो है? अरे अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। हाँ। तेजी से कदम बढ़ाना है ताकि देश की उन्नति, प्रगति, विकास की गति तेज हो सके और मुझ जैसी चौकी भी अपना उद्धार सुधार कर सके। मुझे सभी तो अब चले। हाँ। अच्छा तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.